पुरानी पेंशन योजना को पुनः शुरू करवाने आजाद अध्यापक संघ द्वारा अनूठे तरीके से मुख्यमंत्री के नाम श्री गणेश जी को ज्ञापन देकर वर्तमान में सरकार द्वारा एनपीएस पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना के शुरू किए जाने को लेकर मांग की गई। आजाद अध्यापक संघ द्वारा नई पेंशन योजना एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। वहीं शिक्षकों ने बताया कि नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान वेतन का लगभग 6-8% ही पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जबकि पुरानी पेंशन योजना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। वहीं नई पेंशन योजना से शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और आर्थिक स्थिति न के बराबर होगी। वहीं ऐसी स्थिति से निकलने पुराने कलेक्ट्रेट के बाहर फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा बनाई गई झांकी थाने चौराहे का राजा पहुंच विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अर्पित कर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रार्थना की गई। मेरा नाम मनीष जोशी है, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का सदस्य हूँ। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा आज एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षकों को पुरानी पेंशन की मांग जो लंबे समय तक चली जा रही है, सभी जगह इसके लिए अलग अलग जगह इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वर्तमान में एनपीएस लागू की गई है, 2004 या उसके बाद से नियुक्त शिक्षकों के लिए एनपीएस लागू है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक तरह का धोखा है। और इसके माध्यम ये लागू करने के बाद में शिक्षकों का जो भविष्य है पूरी तरह अंधकारमय हो गया। इसके बाद जो रिटायर हुए हमारे साथी, उनको 1200 से 1500 की पेंशन मिल रही है। तो अभी जब हम रिटायर होंगे उस समय की कल्पना करो, या उनकी अभी करें तो दूध भी नहीं ठीक से ले पाएंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे? जब खुद तो वृद्ध हो जाएंगे, उनके जो बच्चे हैं, उनकी शादी वगैरह है या घर का खर्चा है, बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे, बहुत दिक्कत होने वाली है। आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ेगा, खराब हो जाएगी और बुढ़ापे में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षक जिसने अपनी सेवा 62 साल की सर्विस दी है, पूरे तन मन धन से पढ़ाया है, बच्चों को आगे बढ़ाया है, उनके भविष्य के लिए काम किया है, और आज कुछ शिक्षक वृद्धावस्था में दाने दाने को मोहताज हो जाए, भीख मांगने को मजबूर हो जाए, पुरानी स्थिति से उनको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करना है। पुरानी पेंशन बहुत अच्छी है और शिक्षक बनने का आकर्षण ही है कि पेंशन मिलेगी, 62 साल अपन तन मन धन से सेवा करेंगे और आखिरी में हमारा बुढ़ापा भी ठीक रहेगा, ये सोच के इंसान शिक्षक बनता है। वो शिक्षक कार्य में उसकी रुचि है, इस कारण से वो शिक्षक बनता है। लेकिन शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना बहुत अनुचित है, हमारा पूरा संगठन इसका विरोध करता है और ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सोचना ही पड़ेगा और उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।